कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कांग्रेस के द्वारा सढौरा में पदयात्रा की गई और ये तिरंगा एक रैली निकाली गई है सढौरा राष्ट्र हाउस से लेकर बाहर जो मेन रोड है सढौरा का, वहां से होते हुए मेन बाजार सढौरा से सीधा सन सिटी पैलेस की तरफ जाएगी। इस पदयात्रा में दोस्तों हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती शैलजा कुमारी और जगाधरी विधानसभा से चौधरी अकरम खान और नारायणगढ़ विधानसभा से रामकिशन गुर्जर और हल्का सढौरा से विधायिका श्रीमती रेणु बाला सहित तमाम बड़े और छोटे नेता शामिल हुए। तो आप देखेंगे इस यात्रा को किस प्रकार से आगे चलती है, आगे बढ़ती है। ये हाथ में एक बोर्ड लिया हुआ है, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो बने रहे इस वीडियो में और देखें आगे, हम बातचीत भी करेंगे सभी नेताओं से। तो क्या कुछ बात वो कहेंगे, क्या बात वो रखेंगे, बने रहे इस वीडियो में, सुने। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हरियाणा कांग्रेस के द्वारा सढौरा के अंदर एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां पर शामिल हैं। तो ये देख सकते हैं कुमारी शैलजा, चौधरी अकरम खान, रेणु बाला विधायक सढौरा हल्का से मौजूद है। तो ये रैली रेस्ट हाउस सढौरा से शुरू होकर सढौरा के बाहर को होते हुए बाजार मेन मार्केट सढौरा से होते हुए अब बस स्टैंड के पास पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीर जिंदाबाद। हरियाणा की बेटी बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। जिंदाबाद हरियाणा की किसान बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। जिंदाबाद रामकिशन गुर्जर जिंदाबाद। आदरणीय विधायक रेणु बालाजी जिंदाबाद। जिंदाबाद देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। ये जो पदयात्रा कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर निकाली जा रही है सढौरा बस स्टैंड चौक पे पहुंच चुके हैं, अब ये यात्रा यहाँ से सन सिटी पैलेस की तरफ जाएगी। आप देख रहे हैं दोस्तों तस्वीरों में किस प्रकार की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। ये पीछे कैमरामैन को कहूँगा कि पीछे दिखाए, एक बार देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और बहुत ही एक उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए हैं। और जगाधरी विधानसभा से चौधरी अकरम खान भी इस रैली में, इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो एक बहुत ही उत्साह के साथ ये रैली आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों तस्वीरों में लगातार मेरे साथ। आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम और दोस्तों अब ये जो रैली है, पदयात्रा है, अब ये समाप्त होकर सन सिटी पैलेस में सभी नेता पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्या कुछ इन लोगों ने कहा है, इन नेताओं ने कहा है, आप इस वीडियो में सुनेंगे। सबसे पहले अकरम खान जो जगाधरी विधानसभा से पूर्व विधायक हैं और पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा है, और उसके अलावा और भी जो अन्य नेता मौजूद रहे, सब ने अपने अपने बयान दिए। साथ
कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारे नेता आज की पदयात्रा जो मुख्य अतिथि बहन हमारी शैलजा जी, आपकी आज हम लोगों की विधायक आई बेटू वाला जी, हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे भाई अंजन खान, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा जी, और हमारे साथ रुदौर से हमारे कैंडिडेट रहे पार्टी के नाता साहब, यमुनानगर से हमारी उम्मीदवार रही बहन नंदिता जी, शाह पार्टी के सभी सम्मानित नेता गण यहाँ पे उपस्थित थी, सडोरा हल्के से सभी आए हुए साथीगण, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, अपनी बात शुरू करने से पहले क्योंकि आज बड़ा शुभ दिन है, बहुत मेहनत की आपने, पर दो नारे जरूर लगवाऊंगा आपसे सबने मिलके एक सुर में एक आवाज में सबने साथ देना है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल गांधी बहन कुमारी शैलजा धन्यवाद। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है इस आजादी को बरकरार रखना, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना, नहीं तो आने वाली पीढ़ी सवाल करेगी उस समय कि भाई तुम लोगों ने क्या किया। तो आज हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जो यहाँ पे एक ऐसी सरकार है, पिछले 8 साल से चाहे देश की बात करें हम, प्रदेश की बात करें, जिन्होंने डिक्टेटरशिप
धक्काशाही, झूठे वादे गुमराह करके वोट तो ले ली, उसके बाद जनता के साथ धोखा किया, छोड़ दी। बहन शैलजा जी के नेतृत्व में हम सब ने संघर्ष करना है और ये मेरा आपसे वादा है कि आने वाला समय आपका है और सरकार आपकी बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए, आप सभी साथियों का तहे दिल से बाहर प्रकट करता हूँ और बाहर से भी जो साथी आए उनका भी मैं तहे दिल से बाहर प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अब दोस्तों आप सुनेंगे हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमती शैलजा कुमारी को और देखें उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पूरे कार्यक्रम के बाद और आगे के जो प्लान है उसको लेकर, सुने इस वीडियो में। धन्यवाद साथियों, आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम कांग्रेस की गौरव यात्रा के तहत बहन रेणु बालाजी के नेतृत्व में ये गौरव यात्रा यहाँ हल्का सिंधौरा में मना रहे हैं। मेरे साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी, भाई अक्रम खान जी, बहन सुधा भारद्वाज जी, बहन विमला सरोहा जी, बहन निर्मल चौहान जी, श्याम सुंदर दत्रा जी, विक्रम सैनी जी, कपिल खेत्रपाल जी, हमारी महिला कांग्रेस की हमारी सभी बहनें, सेवा दल के हमारे बहादुर साथी इकबाल जी और उनकी पूरी टीम, यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, बहुत से साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं जानती हूँ बहुत सीनियर साथी भी मौजूद हैं, राजेश चौधरी जी, संदीप राणा जी हैं, हमारे सभी यमुनानगर की पूरी टीम है, अम्बाला से आए हैं, कुरुक्षेत्र से सुरेश जी हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। खास तौर से जो हमारी यमुनानगर की टीम जो हमेशा हर जगह आप लोग चाहे कहीं भी हम कार्यक्रम करें आप वहाँ पर हमेशा हमेशा मौजूद होते हैं, आपका मैं एक खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद। हमारे राय सिंह जी हैं, पवन जी हैं, राजेश जी हैं, अन्य सभी राजीव जी हैं जो हमेशा से चुपन से हमारे साथ, सभी लोग आज आपने हमारी इस गौरव यात्रा का और गौरव बढ़ाया है। सढौरा में मैं जानती हूँ आज बहुत गर्मी थी लेकिन आप लोगों ने भी मिलकर सढौरा में गर्मी ला दी। 75वीं वर्ष का मना रहे हैं साथियों, ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। आज तो हम थोड़ी देर पक्की सड़क पे घूमकर थोड़ा सा पसीना आ गया तो हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। उसी वाला टाइम आपका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आपका टाइम है, आप मेहनत कर रहे हैं, बहन रेणु बाला जी मेहनत कर रही हैं, आप सब मिलकर इनके साथ मेहनत करते हैं, आपका धन्यवाद है। लेकिन आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से और मजबूत हमें होना है। आपकी सरकार आएगी, आपकी हुकूमत होगी और जो आप लोगों के साथ भेदभाव होता रहा है वो भेदभाव आगे नहीं होने देंगे, हम आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे हम दिखाएंगे दूसरी वीडियो में जो बातचीत हमने की है सभी नेताओं से
उसके बारे में दिखाएंगे कि क्या बातचीत हुई और क्या उनका कहना है।